यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज का ये वीडियो गाइस यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार आप कैसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ माइनक्राफ्ट खेल सकते हो। किसी के साथ भी आप माइनक्राफ्ट 1.17 में कैसे मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, वो भी अपने नेट से विदाउट कोई अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी आपको डाउनलोड नहीं करना है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मल्टीप्लेयर खेलने के लिए आपको सिंपल सा सेटिंग में जाना है, आपको भी जाना है और आपके फ्रेंड को भी जाना है सेटिंग में। और गाइस सर आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको यूज सेलुलर डाटा को ऑन रखना है। ये आपका ऑफ होगा, आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद गाइस सर आपको बैक आ जाना है और आपको गाइस कोई सा भी वर्ल्ड आपको क्रिएट कर लेना है। और वर्ल्ड बनाने के बाद गाइस सर आपको जो भी करना है वो कर लेना है। और आपको यहाँ नीचे में आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लेयर, इसको आपको सिलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सब आपका ऑफ होगा, तो आपको इन सबको ऑन कर लेना है। मल्टीप्लेयर गेम विजिबल टू लैन प्लेयर्स, ऐसे आपको ऑन कर लेना है और आपको वर्ल्ड को क्रिएट कर देना है। तो वर्ल्ड को क्रिएट होने देते हैं। और गाइस अगर आपका वर्ल्ड क्रिएट हो गया तो आपको गेम को रिज्यूम करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको गेम को रिज्यूम करना है। और आपको गाइस सर यहाँ पर इन्वाइट टू गेम का ऑप्शन दिख रहा होगा यार, इन्वाइट टू गेम पर आपको क्लिक करना है। और गाइस सर यहाँ पर आपका जो भी फ्रेंड्स यार ऑनलाइन होगा उसको आपको यहाँ पे इनवाइट कर देना है। तो जैसे कि मेरा ये फ्रेंड अभी ऑनलाइन है तो इसको मैं इनवाइट कर देता हूँ। आप भी ऐसे इनवाइट कर सकते हो अपने फ्रेंड को। और आपका अगर फ्रेंड नहीं मिल रहा है गाइस तो यहाँ पे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन पे जाओ, उसका गेमर टैग को यहाँ पे लिखो और उसको आप इन्वाइट कर सकते हो। और अगर गाइस यार वीडियो पसंद आई तो यार एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस यार। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।